How are you? Yes, I'm good. Thank you for asking. How are you? Good, Okay, ma'am. so Harsh, you are here. Good morning, Harsh. Good morning, ma'am. So you attended a long time back, and after that, today you are attending, I guess, right? Why? Yes, Harsh. I need to take the screenshot earlier as well because some kids join earlier and then like they leave. Yes, Harsh, my dear. Any reason why you didn't attend? When are your exams? October or April? April. April. But then to attend the sessions regularly, it will help you. Okay? It's not like when your exams are then, so 2 months before you will start attending the classes regularly and then like you will cover the portion. Okay? Consistency is important. Okay, so Sweetie is here. Sweetie was not there yesterday, I guess. Gauravi, Priyanka, and Ajit. Good morning, No, ma'am. ma'am, she was there. No, Sweetie was not there yesterday, right, Sweetie? Yes, ma'am, I was absent yesterday. One more person who was like we were not able to recall, Anshul, she was Ikra. I remembered. Okay. Okay, ma'am. Yeah. So again. Gaurav is here. Yes, Yes. So Gauravi, this is your homework, right? So well done, you completed your homework. But Gauravi, आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है इसका जो अलाइनमेंट है ना वो ठीक से नहीं हुआ है, राइट? मतलब ऐसे है तो हम ट्राई कर सकते हैं. मैंने सब सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसका अलाइनमेंट अभी सेंटर में ले लिया, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे रख लिया तो अभी ये ऐसे हो रहा है, बट अभी तो भी इसका अलाइनमेंट इतना ठीक नहीं हो रहा है सेंटर में आने के बाद भी. व्हाट डू यू डू? तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मुझे उसको ये देना चाहिए, एटलीस्ट बुलेट दे दू, ठीक है? ओके, आई लाइक टू एक्सरसाइज, या फिर मैं यहाँ पे एक ऐसे डैश दे दू कि ओके व्हाट डू यू डू, आई लाइक टू एक्सरसाइज. फिर एक्सरसाइज का एक पिक्चर है, फिर ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, राइट? तो अभी मैं बुलेट दे रही हूँ तो मैं ये नंबर हटा देती हूँ. तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, फिर से ये देखो यहाँ पे बुलेट है और फिर यहाँ पे मैं एक डैश दे रही हूँ, तो ऐसे ये किया, ठीक है? अभी यहाँ पे एक पिक्चर है, वो है ओके, इट्स रेनी टुडे. ओके, सो अभी ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो ऐसे नहीं चाहिए. तो मे बी अगर नेक्स्ट पेज पे जाएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर क्या होगा वो जो है उसका आंसर जो है साथ में आएगा. तो मैं इसको बुलेट दे देती हूँ और फिर ये आंसर को ये दे देती हूँ. तो आई का इट जो है कैपिटल में आएगा. अभी यहाँ पे फिर से ऐसे हो रहा है, राइट? तो आप क्या करो, तो व्हाट आर योर हॉबीज, तो मैंने इसको बुलेट दे दिया. फिर यहाँ पे मुझे एक स्पेस चाहिए, राइट? तो मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है? बट मुझे बुलेट नहीं चाहिए, मुझे डैश चाहिए, ठीक है? और फिर ये आई लाइक टू कुक, रीड, ओके, स्टोरी बुक्स. तो मैं क्या करूंगी, अभी ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है मीन्स जैसे गौरवी ने, तो मैं इसको कट करूंगी, ठीक है? कट करके यहाँ पे जो मुझे डैश दिया है मैंने, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दू. ओके, फिर अभी फिर से है व्हाट आर यू स्टडिंग. ओके, सो व्हाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश. ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो अभी आंसर ऐसे नहीं लिखना, ठीक है? अभी हम डैश दे रहे हैं, कैपिटल वगैरह आप संभाल लेना. अभी मैं बस इसको जो है अलाइनमेंट में करके बता रही हूँ. तो मुझे ये कहाँ पे चाहिए, मुझे ये इसके नीचे चाहिए, राइट? मुझे बुलेट नहीं चाहिए, तो मैं उसको बैक स्पेस करके क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक डैश दे रही हूँ, क्योंकि वही फॉर्मेट में मैं चल रही, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे सो के नीचे एक लाइन आ गई, तो सजेशन में क्या करेगा. ओके, हाँ
तो अभी ये इमेज जो है ये नीचे आ गई, तो बेसिकली ये इमेज यहाँ पे बैठ नहीं रही है, एक ही इमेज नीचे जा रही है। अगर मुझे इसका प्रिंट लेना होगा तो ये इमेज पीछे जाएगी, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी इसको, मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करूंगी, फिर यहाँ पे जो है फॉन्ट साइज है मैं फॉन्ट साइज कम ज्यादा करके देखूंगी। ठीक है, मैंने कम करके देख लिया, तो अगर मैंने जब फॉन्ट साइज मैंने कम कर लिया तो क्या हो गया, ये सब जो है इमेजेस की मतलब छोटी हो गई, बट ये ऐसे आ गया। बट मैं देख रही हूँ कि ये तो भी अलाइनमेंट में ठीक से आ नहीं रहा, तो फिर मैं कंट्रोल जेड कर दूंगी, क्योंकि वो इतना अच्छा लग नहीं रहा, थोड़ी जो राइटिंग है वो बड़ी ही अच्छी लग रही थी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगी, आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट पेज। सो मैं एंटर एंटर करके उसे नेक्स्ट पेज पे लेके जा रही हूँ। ओके, तो अभी ठीक है, अभी ये लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा, ओके नेक्स्ट पेज पूरी तरीके से गया नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसको नेक्स्ट पेज पे पूरी तरीके से अभी चला गया है। फिर अभी यहाँ पे बीच में स्पेस ज्यादा रह रही है, यहाँ पे ये है, तो व्हाट आई कैन डू, इसमें स्पेस कम है तो मे बी मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लूंगी, राइट। इसके जो इमेजेस है, इमेजेस को मैं थोड़ा सा छोटा कर सकती हूँ इफ आई वांट। ओके, तो देखो अभी मैंने इसके इमेजेस को छोटा कर दिया है, इसके भी इमेज को मैं छोटा कर रही हूँ। तो इस हिसाब से आप क्या करो, ऐसी जो भी सेटिंग है आपकी वो सेटिंग करो, और उसकी सेटिंग को करके क्या करना है आपको, उसको अच्छे से एक पेज पे प्रिंट भी अच्छे से आए, सब अच्छे से आए, उस हिसाब से आपको करना है। तो अभी मे बी मैं ये नेक्स्ट पेज पे ले लूंगी, ठीक है, तो दो एक जो आंसर है दो पेज पे आ जाएगा। फिर अभी ये पेज पूरा ब्लैंक रह रहा है, राइट, सो मे बी लाइक आई कैन टेक दिस अपस्टेयर्स, लाइक तो मैं उसको ऊपर लेके चली जाऊंगी। ठीक है, ये यहाँ पे बैठ रहा है, तो ऐसे आप क्या करो, अच्छे से जो सेटिंग है उसको बिठाने की कोशिश करो, अच्छे से सेट करो सब चीजें। ओके एवरीबॉडी, जब आप मुझे सबमिट करोगे, तो गौरवी अभी यहाँ पे देखो ये नीचे रह गया है, तो उसको अच्छे से सेट करके भेजना है। आप क्या कर सकते हो, अभी ये जो वॉच है इसकी इमेज ज्यादा बड़ी हो रही है, ये अच्छे से हो नहीं रहा, तो वॉच की इमेज जो है थोड़ी सी छोटी कर दो। ठीक है, वॉच की इमेज छोटी कर दी, और फिर ये जो है आई लाइक टू कम्युनिकेट, चाहे तो इसकी इमेज थोड़ी छोटी कर दो। ठीक है, अभी इसकी इमेज छोटी कर दी, तो ये जो दूसरा है इसकी भी इमेज अगर छोटी भी नहीं की तो ये एक ही पेज पे आ जा रहा है, तो इसको बैक स्पेस पे इससे ये कर दो। तो ऐसे करके आप सेट कर सकते हो, नहीं तो मैंने वो टेबल बना के बताया, तो वो टेबल बना के भी आप ऐसे जो है कर सकते हो। ओके, तो अभी ये बीच में है, अगर आपको इसका अलाइनमेंट साइड में चाहिए तो आप इसका अलाइनमेंट साइड में ले सकते हो, आपको इसका अलाइनमेंट ये साइड में चाहिए तो आप ये साइड में ले सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे ले सकते हो। फिर अगर आपको इसमें मार्जिन या फिर कुछ इंसर्ट करना है, ओके, तो उस हिसाब से आपको मार्जिन में चाहिए, मॉडरेट मार्जिन चाहिए तो उस हिसाब से आप रख सकते हो। इसका लैंडस्केप ओरिएंटेशन चाहिए तो लैंडस्केप ओरिएंटेशन में रख सकते हो, तो जैसे भी आपको चाहिए उस हिसाब से कर देना। ओके, सो आई होप एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देयर इंग्लिश हो सॉरी डेटा एंट्री होमवर्क। ओके, सो अभी टुडे वी विल बिगिन विद पेंटिंग। पेंटिंग का हमारे दो चैप्टर्स हो गए हैं, सो आई होप एवरीबडी रिमेम्बर्स द टू चैप्टर्स विच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, दैट इज हिस्ट्री एंड आर्ट 3000 BCE टू 600, देन पेंटिंग हिस्ट्री एंड आर्ट 700 CE टू 1200 CE। ओके, अभी हमारा थर्ड चैप्टर है पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो अंशु कैन यू प्लीज रीड। मैम, डिड यू वन आस्क सेकेंड, मी? यस यस वन सेकेंड, आई थिंक देर आर न्यू स्टूडेंट्स, आई जस्ट नीड टू टेक स्क्रीनशॉट। इज दिस काशी एंड श्रुति, आर यू न्यू? यस ओके, सो व्हेन आर योर एग्जाम्स? अप्रैल बैच और अक्टूबर बैच यू आर? अप्रैल बैच मैम। ओके,
Harsh, Kashvi, and I think Sidra, you are October batch? No, right? Ma'am, April. Miss, I'm okay. Also April batch. Okay. So, the chapters which you have missed earlier, so we can complete those chapters later. But right now, we are beginning from painting third chapter. Okay. And the first two chapters we will complete later. Okay. So, Harsh, please read. Ma'am, can I start? Yeah, please. History and appreciation of art from 13th century AD to 18th century AD. After the decline of the powerful ruling dynasties in different parts of India, there were hardly any patrons to support a large-scale project of art during 12th century AD. Except few constructions of temples in Rajasthan, Bengal, and Orissa, it was mainly restricted to building forts and makbaras by the Muslim rulers who did not patronize cultural art, but this period enriched Indian art with treasure of illustrated manuscripts. The manuscripts of this period belong to different religious sects like Hindus, Jains, and Buddhists. The main centers of these illustrated manuscripts, Punthis, were in Bengal, Gujarat, and Bihar. The manuscripts were made in Bengal and Bihar under the patronage of Pala dynasty, and it shows a distinct style called Pala style. On the other hand, Jain religious manuscripts were written and illustrated in Gujarat. These punthis or manuscripts are done on palm leaf. The scripts are written in beautiful calligraphic art, leaving some space for illustration. Okay. Ma'am, should I continue? No, that's okay. Those who don't know, those who have joined recently, so painting ek subject hai, isme jo bhi art hai, art aur appreciation ka matlab hai, jo bhi, jise nahi hum koi painting karta hai, koi drawing karta hai, hum usko appreciate karte hai, hum usse saharte hai, but isme kya aap janoge, isme ye jo technicalities hai, ki matlab ye technical cheez hai, kaise history hai, okay, ki pehle ke logon ne kaise jo hai art banaya tha, kis karan ke wajah se banaya था जैसे हिस्टोरिकली सब लोग जो है बनाते हैं फिर उसको अप्रिशिएट करते हैं तो ये जो है हम पेंटिंग में सीखेंगे तो पेंटिंग में जब भी आप पेंटिंग के नोट्स लिखते हो ना तो मैं चाहती हूँ कि ये जो वर्ड्स है ओके ग्लॉसरी वर्ड्स सो पेंटिंग के हर चैप्टर के पीछे दिए गए होंगे तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है बुक्स डॉक्यूमेंट्स ओके अजंता वी ऑल नो अजंता क्या है अजंता एलोरा केव्स है ओके महाराष्ट्र में और फिर टेम्परारा क्या है एक टेक्निक है वाटर कलर की ओके जिसमें क्या होता है व्हाइट कलर जो है मिक्स होता है फिर जैन हमें सबको पता है एक रिलीजन है फिर ट्रेजर हमें पता है वेल्थ है कैलीग्राफी क्या होती है एक राइटिंग होती है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी जो है इसका जो है उल्लेख किया गया है ओके सो ये ग्लॉसरी वर्ड्स अगर आपको पता चल जाएंगे हर चैप्टर के तो जो भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़ना आपको इजी जाएगा और आप क्या करोगे उसको रिलेट कर पाओगे मैम हाँ बोलिए आई एक्चुअली ऑलरेडी रोट द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर विदाउट द ग्लॉसरी That's okay. If you have written it without the glossary, you can write the first chapter and second chapter glossary later. Okay. But at the end, I can just write glossary for chapter 1 and 2 like that. Yes. You can give the heading and you can continue write. Okay. Thank you. Okay. Yeah. So, abhi ye dekhiye. History and appreciation art from 13th century to 18th century. तो अभी यहाँ पे हमारा जो first chapter था वहाँ पे 3000 BCE थे, okay? अभी 700 to 1200, अभी okay one second post. I think I have taken the right chapter right. Okay. तो अभी ये जो history और appreciation है 13th century से लेके तो 18th century तक है. अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज तो आपको सबको पता है कि पहले के जमाने में क्या होता था
जो किंग्स है वो रूल करते थे. तो यहाँ पे वो बता रहे डिक्लाइन हुआ, किसका रूल जो है वो डिक्लाइन हुआ, जो बहुत ज्यादा पावरफुली रूल करते थे इंडिया में. ओके, उसके बाद क्या हो गया, उनको बहुत कम सपोर्ट मिलने लगा. ओके, कोई जो प्रोजेक्ट्स उनको कैरी करने होते थे ना, क्योंकि देखो जो भी अभी जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट जब पावरफुल रहती है, हमारी जो देश की इकोनॉमी अच्छी होती है, तो क्या होता है, हमारे देश के रास्ते अच्छे से बनते हैं, हमारे देश में कुछ कुछ जो चीजें है वो अच्छे बनती है, मॉल्स बनते हैं, मीन्स एयरपोर्ट्स बनते हैं, ये सब चीजें बनते हैं. तो वैसे ही पहले के जमाने में क्या होता था, जब कोई भी पावरफुल डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी, तो तब टेम्पल्स बनते थे, टेम्पल्स के साथ उनके आर्ट बनता था, आर्किटेक्चर बनता था, फिर इसीलिए क्या कर पाते थे वो, इस जगह पे जो है वो ज्यादा ध्यान दे पाते थे. तो वैसे ही ये जब डिक्लाइन हुआ डायनेस्टी का रूलिंग पावर, ओके, इंडिया में, तो उनके पास पैटर्न्स लोग नहीं थे, ओके, जो इस चीज को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, तो आर्ट ऑफ मतलब स्केल प्रोजेक्ट 12th century AD में एक्सेप्ट फ्यू कंस्ट्रक्शन, बस बहुत कम कंस्ट्रक्शन थे, टेम्पल्स थे, वो राजस्थान में थे, बंगाल में थे और ओरिस्सा में थे, वहां पे थे. बट वहां पे भी क्या था, रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब काम ऐसे नहीं कि सब काम हो रहा था, कुछ कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन में काम हो रहा था बिल्डिंग का. ओके, जैसे फोर्ट्स थे, मकबराज थे, ओके, जो है मुस्लिम रूलर्स हु डिड नॉट पेट्रोनाइज कल्चरल एक्ट, तो वो क्या करते थे, फोर्ट्स बना रहे थे, मकबरा बना रहे थे, बट जो मुस्लिम्स जो थे वो क्या कर रहे थे, वो पेट्रोनाइज नहीं कर रहे थे, जो स्कल्पचर्स बनाते थे ना, जैसे अभी सनातन धर्म हिंदू रिलीजन में क्या करते हैं, उनकी जो है वो एक डीटी होती है, ओके, तो वो डीटी बनाते हैं, बट वही जो है इस्लाम रिलीजन में वो डीटी नहीं बनाते हैं. तो इसलिए वो बता रहे हैं जब मुस्लिम रूलर्स थे तो वो क्या करते थे, वो फोर्ट बनाते थे और मकबरा बनाते थे. बट ये जो पीरियड था एनरिच्ड इंडियाज आर्ट, इंडियन आर्ट को तो भी जो है एनरिच किया गया इस पीरियड में. ओके, विद ट्रेजर ऑफ इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, तो क्या क्या किया इस दौरान, तो ट्रेजर ऑफ इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेशंस का मतलब मैंने पहले भी बताया है, जो एक ड्राइंग होती है आप निकालते हो उसको क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन बोलते हैं. तो उन्होंने क्या किया, ये जो पूरी स्क्रिप्ट होती है एक जो ड्राइंग के द्वारा, जैसे हम कोई पेंटिंग देखते हैं तो पेंटिंग देख के हमें वो पेंटिंग की स्टोरी पता होती है, राइट, तो बोले कि इलस्ट्रेटिव मैन्युस्क्रिप्ट, उसमें क्या होता है इलस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो स्टोरी बताते थे. द मैन्युस्क्रिप्ट अभी ये जो पीरियड की थी अलग अलग रिलीजन सेक्ट्स को, ओके, बिलोंग करती थी, जैसे हिंदूज को, जैन्स को और बुद्धिस्ट को. ये जैसे हमने कोई पेंटिंग देखी, हम पेंटिंग देख के बोल सकते हैं क्योंकि ये बुद्धिस्ट की पेंटिंग है, ये हिंदूज की पेंटिंग है, ये जैन की पेंटिंग है, क्योंकि उनका जो भी कल्चर है या फिर उनका जो भी बुक में, एक वेदों में या फिर एक इंसिडेंट दिया गया है, तो वो उसको क्या करता है, दर्शाता है. जैसे अभी हम महाभारत की पेंटिंग देखते हैं, ओके, सो एक चैरियट होता है, चैरियट के ऊपर कृष्ण होते हैं एंड लाइक अर्जुन होते हैं, सो वी से ओके ये हिंदूज की पेंटिंग है. जैन्स की पेंटिंग में मे बी सब मंक होते होंगे, ओके, तो फिर वो बताते हैं. बुद्धिस्ट की पेंटिंग में बुद्धा जो है वो बैठे हुए हैं मेडिटेशन में, तो वैसे हम क्या करते हैं, उनके जो इलस्ट्रेशन से हम पता करते हैं कि ये कौन से सेक्ट की पेंटिंग है. The main centers of this illustrated manuscripts, okay, तो पुंथीज, okay, were in Bengal में थे, गुजरात में थे और बिहार में थे. The manuscripts जो थे were made from Bengal and Bihar under the patronage of Pala dynasty. तो किसके patronage के under बनाए थे ये सब, Pala dynasty के नीचे बनाए थे, okay. पैटर्नेज मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी अभी पाला डायनेस्टी जो है वो रूल कर रहा है, तो उनके अंडर क्या हो रहा है, ये सब काम बन रहा है. जैसे हमारे अभी कैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर 5 साल में कोई गवर्नमेंट आती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, व्हाटएवर, लाइक आप आम जनता पार्टी आती है. तो जब वो जो गवर्नमेंट आती है, तो अगर वो मेट्रो स्टेशन बना रही है या फिर ये बना रही है, तो हम क्या बोलते हैं, ओके, ये गवर्नमेंट के अंडर ये जो है ये काम हुआ था, ओके. वैसे ही अभी ये जो काम हो रहा है ये पाला डायनेस्टी के अंदर हो रहा है, डिस्टिंक्ट स्टाइल. तो ये जो स्टाइल है, अभी ऑब्वियसली जो भी रूल करता है उनका एक स्टाइल होता है, उनका एक चीज होती कि ये चीज ऐसी बनानी चाहिए, तो पाला डायनेस्टी का एक स्टाइल था, तो फिर वो उस स्टाइल को क्या बोलते हैं, पाला स्टाइल बोलते हैं. ओके, ऑन दी अदर हैंड जो थे जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वो रिटन मतलब इलस्ट्रेटेड किए गए थे इन गुजरात. ओके, तो ये जो पुंथीज और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे वो क्या करते थे, पाम लीफ के ऊपर बनाते थे. ओके, स्क्रिप्ट्स आर रिटन इन ब्यूटिफुल कैलीग्राफिक आर्ट लिविंग सम स्पेस फॉर इलस्ट्रेशन.
तो लाइक यहाँ पे आपने कभी आर्ट देखा है? लीफ आर्ट, हैव यू एवर सीन लीफ आर्ट? एनीबडी? नो मैम पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम यहाँ पे बता रहे हैं। वन सेकेंड, ये देखिए, ये अभी एक मूवी आई थी, इसका नाम था कुछ राम सेतु। तो ये जो पाम लीफ है ना, इसके ऊपर क्या करते थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स इसके अंदर रखते थे। ओके, सो यस ऐसे मैम, होता था। एक्चुअली ओके, ये देखो, ये मैन्युस्क्रिप्ट है, इसमें पूरा जो है स्क्रिप्टिंग किया गया है। ओके, पहले हमारे ग्रंथ इसी पर लिखे जाते थे। सो ऐसे होता है, ये देखो पूरा ऐसे बनता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक है, ये डीटीज भी है इसमें, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो ऐसे होता था, उसके ऊपर इलस्ट्रेशन भी होता था। ओके, सो टेम्पल आर्किटेक्चर क्या था, इस दौरान डेवलप हुआ था इंडियन पीरियड में। जैसे मतलब भले ही कुछ हो ना हो, टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप हुआ ही है। ओके, तो इसमें क्या करते थे वो, द मार्बल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ओके, दिलवाड़ा एट माउंट अबू, टेराकोटा एंड बंगाल ऑफ ओरिसा आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक मार्बल टेम्पल है कॉम्प्लेक्स दिलवाड़ा एट माउंट अबू। तो हम देखते हैं, ये एक टेम्पल है। तो ये क्या हुआ था, इस डायनेस्टी के दौरान जो है इसको बिल्ड किया गया था। जस्ट सी कितना इंट्रिकेट वर्क है, कितना परफेक्शन है काम में। ये देखो अंदर से टेम्पल। ओके, सो दिस इज अ दिलवाड़ा टेम्पल, पाला डायनेस्टी के दौरान जो है ये बनाया गया था। यू कैन सी बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट जो है डीटी है अंदर। ओके, इस पूरी कार्विंग से सीलिंग जो है भरी गई है। इवन जो पिलर्स है उसको भी जो है पूरी तरीके से, उसके ऊपर जो है इलस्ट्रेशन जो है स्कल्पचरिंग किया गया है, पूरा बहुत ज्यादा इंट्रिकेट वर्क है। ओके, सो दिस इज अ दिलवाड़ा टेम्पल, आप और बाद में देख सकते हो। ओके, तो टेराकोटा टेम्पल्स ऐसे जो है ओडिशा में और बंगाल में भी बहुत ब्यूटीफुल है, बनाए गए थे इस दौरान। राजपूत पेंटिंग्स एंड मुगल पेंटिंग्स फ्लरिश्ड इन 16th century AD to 19th century। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा हमारे आंखों के सामने एक इमेज आने के लिए कि राजपूत पेंटिंग्स क्या है, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो राजपूत पेंटिंग्स इस दौरान क्या हुई थी, फ्लरिश हुई थी। ये है राजपूत पेंटिंग्स। ओके, सो आप देख सकते हो। क्वीन है, ओके, किंग है, फिर लाइक म्यूजिक बजाते वक्त। ओके, सो दिस आर राजपूत पेंटिंग्स। नाउ वी विल सी मुगल पेंटिंग्स। दिस आर मुगल पेंटिंग्स। सो ये एक ही पीरियड के दौरान जो है फ्लरिश हुई थी, इसलिए इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। बस जो है कल्चर, जो है कल्चर का डिफरेंस दिखता है इसमें, कि राजपूत लोग जो है वो राजपूत टाइप जो है उनका ड्रेस या फिर ये होगा, और इनका जो है मोर मुगल टाइप होगा इनका। ओके, तो मुगल आर्ट। तो ये 16th to 19th century के दौरान जो है वो फ्लरिश हुई थी। सो हम अभी आगे देखेंगे। काशवी, कैन यू प्लीज रीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर?
After studying this lesson, the learner will be able to describe the art scene of India during 12th century AD to 18th century AD. ये देखो ये और चार पॉइंट्स ये भी पढ़ने हैं. Write the reasons for the decline of Indian art. Explain the manuscript illustration of this period. Describe one of the most important Rajput schools of paintings. Write on terracotta and terracotta temples. Okay. तो अभी ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ने वाले हैं. ओके तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चैप्टर में क्या है. ओके डिस्क्राइब द आर्ट सीन ऑफ 12th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी के बीच में जो हुआ था वो हम डिस्क्राइब कर पाएंगे. ठीक है फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे रीजंस. ओके कि इंडिया में जो है आर्ट डिक्लाइन क्यों हुआ. फिर एक्सप्लेन कर पाएंगे मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन की ये मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन होता क्या है. डिस्क्राइब कर पाएंगे इंपॉर्टेंट राजपूत पेंटिंग्स कौन सी है. एंड राइट ऑन टेराकोटा और टेराकोटा टेम्पल्स के ऊपर हम इस चैप्टर पढ़ने के बाद लिख पाएंगे. तो अभी श्रीगर ओके तो श्रृंगार सॉरी ये जो पेंटिंग है पढ़ने लगाऊंगी बाद में. ये श्रृंगार है तो मैं बस आपको ऑब्जर्व करने लगाने वाली हूँ ये पेंटिंग. सो प्लीज ऑब्जर्व द पेंटिंग. आप देख रहे हो कि एक क्वीन है लाइक हियर ओके तो फिर उनके जो है बाल बना रही है एक लेडी. एक लेडी जो है यहाँ पे हाथ मतलब बालों में जो भी एक्सेसरीज उनको लगाने होंगे वो जो है वो ट्रे में लेके ये है खड़ी है. फिर एक यहाँ पे एक ओल्ड लेडी है वो क्या कर रही है सबको गाइड कर रही है. ओके सबको देख रही है सुपरवाइज कर रही है. यहाँ पे एक चंदन का पेस्ट बना रही है. दिस लेडी इज मेकिंग समथिंग इन हर हैंड. यहाँ पे जो है ये लेडी माला बना रही है. ये लेडी क्या कर रही है इनके हाथों में कुछ पहना रही है. प्लस बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हमें पूरा सिमेट्रिकल दिख रहा है कि उनके घर कैसे हो गए. यहाँ पे एक दरवाजा है, यहाँ पे दो ऐसे विंडोज टाइप दिए गए हैं. ओके सो ये पेंटिंग को पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए अच्छे से उनके नोटिस कर लीजिए. यहाँ पे भी एक ये है मे बी वो घर के पैसेज में बाहर बालकनी टाइप में बैठे है और मतलब ये सब चीजें जो है वो कर रहे है. So now, sweetie, can you read this, please? Yes, ma'am. Bhula was a small state near Kangra village and one of the most important center of the Pahari school of painting. This style flourished between 1450 AD to 1780 AD under the different rural of the kingdom. Bhula miniature. Went through different stages of development under the influence of Flop Arts to Mughal miniature style. The Bhula painting reached its majority in the 18th century AD. According to some scholars, the Pahari school has its origin in Bhula, which influenced many other Pahari schools like Kangra. Bhula painting was characterized by genuine romanticism of the myth of Krishna and Radha, which is still a leading symbol of divine love. Story of Ramayana and Mahabharata were also used as the theme of Bhula painting among the royal portraits and court scenes. The painting Shringar is a typical Rajput painting with such a theme. Okay. Shall I continue, sir, ma'am? No, thank you. Yes. Okay. So, अभी श्रृंगार पेंटिंग ओके सो स्टाइल जो है इसकी गुलेर स्कूल है. गुलेर स्कूल की जो है ये स्टाइल है. ये पेंटिंग कब बनाई गई थी, 18th सेंचुरी में बनाई गई थी. आर्टिस्ट हमें इसका पता नहीं है कौन है. टेम्परा वर्क है. टेम्परा जो है टेम्परा मतलब आप क्या कर रहे हो, इसमें व्हाइट कलर जो है मिला के जो पेंटिंग है बना रहे हो उसको टेम्परा बोलते हैं.
तो अभी यहाँ पे गुलेर के बारे में बता रहे हैं. गुलेर क्या है, एक स्मॉल स्टेट है कंगरा वैली में. ओके तो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर है जहाँ पे जो है पारी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है देखा जाता है. इसमें जो है दिस स्टाइल जो है फ्लरिश हुई, कब फ्लरिश हुई, 1450 AD में टू 1780 AD में अंडर डिफरेंट रूलर्स ऑफ दिस किंगडम, अलग अलग रूलर्स से किंगडम के. तो गुलेर मिनिएचर जो है अलग अलग स्टाइल्स, जैसे हमने हर एक पेंटिंग को देखा है, जैसे हम कोई ड्रेस देखते हैं तो उसका क्या है ट्रेंड बदलता है. जैसे अभी पैंट्स थी, ओके सो लाइक लॉन्ग बैक पैंट्स जो थी हाई वेस्ट थी राइट और बेल बॉटम्स थी. बाद में पैंट्स जो है लो वेस्ट हो गई, उसकी जो बॉटम्स है वो शॉर्ट बॉटम आ गई. अभी क्या हो गई, पैंट्स हाई वेस्ट हो गई, कभी बेल बॉटम भी होती है, शॉर्ट बॉटम भी होती है, रिप्ड जींस भी आ गए राइट. और फिर उसमें भी बहुत ज्यादा जो है चीनोस वगैरह अलग अलग जो है वो स्टाइल्स आ गई. तो वैसे ही पेंटिंग्स में भी होता है. तो पेंटिंग्स में क्या होता है, इनकी जो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में जो है पेंटिंग्स डेवलप हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो है फोक आर्ट, जो है मुगल मिनिएचर स्टाइल में. तो गुलेर पेंटिंग जो है उसकी जो मैच्योरिटी, देखो हर एक जो पेंटिंग है या फिर हर एक आर्ट जब आता है तो उसका एक मैच्योरिटी लेवल आता है. तो इसका मैच्योरिटी लेवल कब आया, 18th century AD में. बट कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से ये जो पहाड़ी स्कूल है इसका ओरिजिन कहाँ पे था, इन गुलेर था, इन्फ्लुएंस बाय पहाड़ी स्कूल लाइक कांगरा, कांगरा से जो आए थे ये लोग. तो गुलेर पेंटिंग्स जो थे जेन्युइन रोमांटिसिज्म, ओके इनकी जो पेंटिंग्स में क्या होता था जेन्युइन जो है रोमांटिसिज्म दिखता था. जैसे हमने देखा है अभी फॉर एग्जांपल ये पेंटिंग भी हम देख रहे हैं, तो इसमें लाइक लेडी जो है श्रृंगार कर रही है, तो इट्स लाइक वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ पेंटिंग ऐसे हम बोल सकते हैं. ओके सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि रोमांटिसिज्म, जैसे मिथ है, मिथ तो नहीं है, कृष्णा और राधा, ओके तो जो है विच इज स्टिल लिविंग सिंबल ऑफ डिवाइन लव, स्टोरीज ऑफ रामायण महाभारता, ओके तो इसमें उन्होंने थीम दिए है गुलेर पेंटिंग्स में, पोर्ट्रेट्स में कोर्ट सीन्स दिए है. ये जो पेंटिंग है ये एक श्रृंगार की पेंटिंग है, हमने अभी जो नोटिस की, ओके तो ये एक राजपूत पेंटिंग है एक थीम के हिसाब से. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ब्राइड है, ब्राइड उसके वेडिंग डे के लिए उसको जो है सजाया जा रहा है, उसके बाल जो है वो बनाए जा रहे हैं, पीछे क्या है अच्छे से बैलेंस है आर्किटेक्चर की जो सेटिंग है. ओके मेड क्या कर रही है, एक सैंडल पेस्ट बना रही है नीचे बैठ के, दूसरी वुमेन उसको एंकलेट पिना रही है, फिर दूसरी जो दो खड़ी जो वुमेन है एक मिरर होल्ड कर रही है, दूसरा एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स होल्ड कर रही है, एक बाल बना रही है, बाल बनाने वाली के साथ एक असिस्टेंट है. ओके तो यही पेंटिंग को क्या कर रहे हैं वो और एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो पेंटर की मास्टरी थी इन इन्फ्यूजिंग द इसेंस ऑफ शाइनेस, मतलब वो क्या कर रहा था एक इसेंस जो है शाइनेस का, जैसे वो ब्राइड है हम ये पेंटिंग में देख रहे हैं कि वो नीचे देख रही है, शी इज लुकिंग डाउन, ओके एंड लाइक एक शाइनेस एक कोयनेस उसमें जो है वो दिख रहा है हमें. ओके तो ये जो है ये जो पेंटर है आर्टिस्ट है उसकी मास्टरी है कि वो कैसे जो है एक फीलिंग्स है एक दुल्हन के वो जो है इसमें बता रहा है. देन एलिगेंस है पोस्चर में, ओके ब्राइड के फेसेस है, ग्रेस है, एटीट्यूड है, एकदम सॉफ्ट हार्मनी जो है इसमें पोर्ट्रे की गई है. सो एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस श्रृंगार पेंटिंग? यस. ओके ओके अभी ये जैन मिनिएचर है, ये जैन मिनिएचर एक बार देख लीजिए. यहाँ पे कैसे अभी इलस्ट्रेशन दिखाया गया है, एक पूरा जो बैकग्राउंड है रेड कलर का है, येलो कलर के बैकग्राउंड में इन्होंने ऐसे कॉलम्स किए हैं, जैसे हम बुक्स में नहीं कॉलम करते, दो ऊपर एक मंदिर है, एक हाथी है, फिर दो जो कपल है उनको बात करते हुए बताया गया है. और इसमें एक देखो एक चीज आप नोटिस करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा स्पेक्स निकालती हूँ, मैं अभी ऐसे देख रही हूँ ठीक है, तो मेरा आंख जो है ऐसी उड़ नहीं रही है ठीक है, बट आप इसमें देखोगे कि इनकी जो आंख है एक ऐसी ऐसी उड़ रही है आंख, लाइक यू कैन सी ओवर हियर. ओके तो एक ऐसे है, फिर उनकी जो लाइफ स्टाइल है उनके जो एनिमल्स है वो बताए गए, फिर यहाँ पे एक मिस लेडी है उसको बताया गया है बेबी के साथ राइट. सो ऑब्जर्व दिस पेंटिंग.
And now, like, let's learn about it. So, painting ka naam hai, title hai, Kalpa Sutra, artist unknown hai, style iska Jain manuscripting painting hai, period hai iska 15th century AD, medium hai iska tempera on palm leaf ke upar iska jo tempera hai banaya gaya hai. Sweetie, read. Sweetie Sharma. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, the title or the paragraph? Paragraph, my dear. I read the title. Yeah. Okay, ma'am. Jain miniature paintings were developed all over India from 7th century AD and reached its maturity during 10th century AD and 15th century AD. Jain scriptures like Kalkacharya Katha and Kalpa Sutra are illustrated with images. And Tirthankaras and like Parswanath and Neminath, Rishabhnath and others. Most of the Jain miniatures were done during 10th century AD. The important centers of these paintings were Punjab, Bengal, Orissa, Gujarat and Rajasthan. These manuscripts are mainly made of palm leaves, so the paintings are also done on it along with the scripts. The colors are made from locally available pigments, red and yellow, are the most predominant shades, along with gold and silver colors. The human figures show some special characteristics in these paintings. The faces are in profile, showing both the eyes and frontal view. Thus, one of the eyes has gone beyond the outline of the face. The torsos of the figures are also in frontal pose. Interestingly, female figures show a lot of ornaments and jewelries on them. Lines are given almost emphasis in these paintings. Ma'am, should I carry on or just from here? All of you, please join. 2 minutes are remaining, so I will start and then like start explaining. Ek second, mujhe na photo khichne dijiye. Yeah, leaves.